बड़े व्यूज गए हैं उस पर गूगल वीडियो पे। नोटिफिकेशन लेट आने लग गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे भी नहीं आया अभी तक। नेटवर्क का कोई इशू है मेरे ख्याल। यही दूसरा है ना, वहां दूसरे पे भी मारे हैं तेरा लाइफ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं कामरान अब्बास आपका दोस्त, आपका होस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं उस्ताद सैयद मोहम्मद ज़ुल्करनैन साहब के साथ। नहीं सर, मैं आपके साथ मौजूद। ये जी बड़ा हमसे करते हैं क्वेश्चंस, आज इनसे भी जरा क्वेश्चन करते हैं ना। नहीं सर, हमें आते ही नहीं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नहीं आते कि जवाब नहीं आते? क्वेश्चंस भी नहीं आते, जवाब भी नहीं आते। आप हमारे से सीनियर उस्ताद हैं, हम आपको क्या बताएंगे। हाँ जी, बस साथ ही काम डाल दिया। बंदा कह के ले आया भाई, यार ये तो तूने गलत कर दी ना बात। क्या हाँ, क्या कह दिया? ये जो तूने कह दिया, अब बड़े उस्ताद पास बैठे और छोटा उस्ताद तो बातें करे, वो अच्छी बात नहीं है। नहीं ना, होना चाहिए ना। अच्छा जी ज़ुल्करनैन साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी जी, सर्दी बहुत है। सर्दी बहुत है, छत आपने खत्म कर दी है? जी हाँ। तो क्यों खत्म की है छत? बस दुती रंग पे हाथ ना रखे आप, तो बस खत्म कर दी। नहीं, हमने सुना आप शिफ्ट हो रहे हैं। जी जी, बस ये लाहौर शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द हो गए हम कुछ तो, कहने के 75% हो गया हम, 25% रह गया शिफ्टिंग का। अच्छा, इंशाल्लाह फिर लाहौर में शौक करेंगे। शौक करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर में कहाँ शौक करेंगे? लाहौर में अभी तक तो कोई इतना खास प्लान नहीं है, कुछ हम देखिए तो समझ आएगा। लाहौर करेंगे नहीं तो अपनी छत इंशाल्लाह अभी बनाने में देर लगेगी। इंशाल्लाह लाहौर में भी पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे शेखुपुरा में टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता हूँ। अच्छा, ऐसे ही होगा सारा इंतजाम इंशाल्लाह। तो यहाँ कोई छत मिली है कोई जिस पे आपने शौक करना है कि नहीं? नहीं अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। तो प्लान है? वैसे प्लान तो है, मुझसे जारी बात है, शौक है तो समझ लें कि इतना तजर्बा अल्लाह पाक ने दे दिया। थोड़ा सा 3-4 साल अपने इलाकों में भी बड़ा अच्छा स्कोर रहा है मेरा, तो उम्मीद तो यही है कि जहाँ पे बैठूंगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा, मिलेगा सही। क्या आप समझते हैं कि लाहौर की कबूतरबाजी में और शेखपुरा की कबूतरबाजी में कोई फर्क होगा? नहीं, मैं ये चीज समझता हूँ कि देखिए, मैंने लाहौर में भी रह के देखा है, शेखपुरा में भी रह के देखा है। हमारे लाहौर में टेम्परेचर 40 है ना, तो शेखपुरा में 42 है। अच्छा, ठीक है, लाहौर में 43 है तो शेखपुरा में 45 है। इसी तरह हमारे से टेम्परेचर 2 गुना चला जाता है फैसलाबाद का। इसमें लाहौर में थोड़ा सा आगे एक चीज मैंने देखी है, यहाँ पे नीचे जो है ना गैर बहुत ज्यादा होती है, सुबह के टाइम भी अक्सर और दोपहर के टाइम भी। बालतर मौसम साफ होता है तो, लेकिन वो मौसम की इस तरह की तब्दीली होती है हवा में, एक नमी के तनासब में वो थोड़ा सा फर्क देखने को मिलता है शेखुपुरा का। क्यों? क्योंकि लाहौर में ट्रैफिक की वजह से ज्यादा आलूदगी है, और जो संती इलाके साइडों पे ऐसे राउंड हो जाता है वो, उनका जो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है सारा ना शहर के इलाकों में। सनती इलाके तो वो शेखुपुरा भी, हमारे शेखुपुरा भी, यही मैं कह रहा हूँ। शुदरे से आप सीधा निकल जाए कोट अब्दुल मालिक के आप स्टार्ट हो जाए, तो मेरे ख्याल से सड़क के दोनों तरफ आपको फैक्ट्रियां ही मिलेगी, जिनमें से धुआं को पाइप आपको साफ रोड के ऊपर नजर आ जाएंगे कि आप धुएं निकल रहे हैं। और ये शेखुपुरा तक फिर आगे फैसलाबाद रोड टोटली सारा फैक्ट्रीज हैं दोनों तरफ ही, तो हमारे भी वही सेम ही है सिचुएशन, इतनी अलहदा तो नहीं है। अलहदा नहीं है। अच्छा, कबूतर उड़ाने पे आप क्या समझते हैं कि लाहौर में जो अक्सर कबूतर उड़ाए जाते हैं अपना एक टिपिकल अंदाज है, कुछ ज्यादातर लोग आपने देखा कि पलटा के कबूतर उड़ाते हैं, आप इस पे यकीन रखते हैं पलटा के कबूतर उड़ाने पे? वो ये है ना कामरान भाई, देखिये मैं शेखुपुरा में कबूतरबाजी करता रहा हूँ और आप भी मेरी छत पे आते रहे, आपके सामने सारा कुछ होता रहे, कुछ आपसे भी मालूम लेते रहे, कुछ जगह पे मैं अड़ा भी हूँ, आपने हल भी की, आपने चलाया भी। तो इसी तरह के जब हम एक इलाके में बैठ के शौक करते हैं ना, उसका हमने रंग डाल सारा उसको जजमेंट कर लिया होता है। अब लाहौर में मैंने आज तक कभी किसी की छत के ऊपर बैठ के शौक नहीं किया हुआ, ठीक है। एक दोस्त है, उसकी छत उड़ाई थी मैंने लाहौर में, लेकिन वो सिर्फ 1-to-1 मुकाबले की हद तक थी, बिल्कुल वैसे रात को बैठे बैठे बाजी लगी। तो वो मेरा एक छोटा सा इत्तेफाक है, तो मैंने उड़ाए थे कबूतर 2 बजे के बाद उसके बैठे थे सारे इकट्ठे। अच्छा,
तो वो इतफाक सेम मैंने जैसे शेखुपुरा में उड़ाया था, मैंने उसी आग पे उसी तरीके इकट्ठे से बैठ गए थे इकट्ठे कबूतर, 2 से लेकर 4.5 बजे तक, और 3-3 घंटे कबूतर उठते थे उसके। अच्छा ये नहीं कि कबूतर भी थोड़े उड़ते थे, फर्क कबूतर थे जिसको पहले भी ठप्पे कबूतर उड़ाया था मैंने, बैसाख की कुछ इतवारों में कभी आपस में कोई बना था सिस्टम, इस तरह कबूतर उड़ाए थे। तो वो आपके जो अच्छे अच्छे अच्छी रही है कबूतरों ने बताया कि यार मोर्शद, इसलिए तो मैं आपसे पिछले दिन कह रहा था कि मोर्शद को इंशा अल्लाह लग जाए तो स्वाद आएगा। नहीं नहीं स्वाद आएगा इंशाल्लाह आएगा। नहीं तो आप ज्यादातर रेस्ते के कबूतर उड़ाते हैं भाई? कबूतर में ना मेरे शेखुपुरा में बड़े भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, समझ लें कि बाप की सियासत उनकी मैं इज्जत करता हूँ, सरदार इमरान डोगर साहब बाप से मुलाकात भी है उनकी, मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल बंदे हैं। तो कबूतरबाजी तो देखे ना, मैं उनका वो एक स्टाइल और दाना पानी लेके मैं यूज करता रहा, उनके सिखाए हुए तरीके पे चलता रहा, उन्होंने जो कबूतरबाजी मेरे हाथों से करवाई है ना, मैं उसको कहता हूँ मेरे हाथ का तो फन है, लेकिन वो मुझसे जहाँ पे अड़ जाता था उनसे पूछता जरूर था मैं, भाई एक बात का जिक्र जरूर करूंगा क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है कि जो बंदा किसी से सीखता है उसका नाम भूल जाता है, मैंने उनसे बड़ी कबूतरबाजी सीखी है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मेरा रिजल्ट 95% रहा, ठीक है। एक आदमी से यानी कि ईटा हार गया, मुझे एवरेज हार गया, इस तरह का स्कोर मेरा डाउन रहा, लेकिन बड़ा अच्छा स्कोर है। और हार जीत तो है, ये चीज़ देखी हमने कबूतर पर टाक उड़ाया, लेकिन कबूतर पलटाने की बात को टाइमिंग पे भी कल भी एक जगह बात हो रही थी कि कबूतर 5 मिनट पहले पटाख उड़ा देते हैं, वो चीजें फिर चले जाती हैं और तरफ। मैंने पहले भी एक दफा वीडियो मैंने लाइव बनाई थी जब आप आए थे, तो काफी व्यूज गए थे इस चीज के ऊपर, नीचे कमेंट्स भी थे। तो कबूतर की टाइमिंग होती है हर मौसम के हवाले से, हम मौसम के हवाले से रहस देते हैं, मौसम के हवाले से हमें पलटाना होता है, उतने उसको पानी मौसम के हवाले से देना होता है। किस कैसे मौसम में जो है बैसाख में तरीकाकार हो रहा है बैसाख में रैश सेम ही है, और बैसाख में रैश कि आपको कबूतर को दवाई की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, हम कबूतर किस तरह तैयार करते हैं, रिसेंटली जसवंत में मेरा रिजल्ट ये था कि पहले दिन 24 तारीख को हो गई बारिश, हमने कबूतर छोड़े हुए थे 85 घंटों की लीड पे, अपना एग्जाम उनकी टोटल रोजाना की एवरेज जो बन रही थी ना वो बन रही थी 75+ हर पड़क में उन सेट की, जिसमें आपका कबूतर भी शामिल था। अब वो कबूतरों ने पहले दिन क्या किया, 6 बजे झंडी लगी, 6:05 में बारिश आ गई, हमारे कबूतर 5 मिनट में बांध चले गए, वो मुंसा भी आराम परेशान, लेकिन एक कबूतर नीचे रह गया, उसमें हमारा ये बात 34 घंटे और 26 मिनट बने, उससे ही हम कपों में दूसरे नंबर पर तीसरे नंबर पर सबसे बाद ही भी जीत गए, लेकिन 2 कबूतर शाम 7 बजे तक नीचे लगे रहे, क्यों, हमारी गेम टोटली वही थी लेकिन कुछ कबूतर भीगने की वजह से डिस्टर्ब हुए, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ग्रैश भी हमने गेम की, फिर वही कबूतर हमने अगले दिन बनाए, मैंने 64 घंटे 33 मिनट डक पे, एक कबूतर हमारा रात रह के अगले दिन बैठा 2:30 बजे, उसको स्टार्टअप रैश ही था, अगर वो हमने तैयार किया था दूसरे तरीके से तो कबूतर उस तरीके से नहीं जा सकता। फिर वो अगले दिन वो देखे रैश गेम बढ़ती है, तीसरे दिन हमारे 74 घंटे कुछ मिनट, अच्छा गेम हमारी फिर वहां पे आ गई, रैश ही होता है तो रैश भी बढ़ाई जाती है। जी रैश बढ़ाई जाती है, रैश शुरू होती है इतने से, सही ये बादाम से बता रहे हैं, बादाम की गोलियां दी जाती हैं, बादाम तोल के नहीं देते, नाक के नहीं देते, हमने गोलियां रखी होती हैं साइजेस के हिसाब से, हमने हाफ इंच से शुरू करना, फर्कों से जब उसको देखना कबूतर अब पुख्तगी की तरफ आने लग गया, ये बनने लग गया इस कबूतर को, अब हमने अपनी स्टेज तक लेके जाना है, तब हमने उसको शुरू कर देनी है कि भाई ठीक ठीक ठीक, एंड वाली जो 4-5 पड़कों में हमने उसको फिर 1 से 2 गोलियां कर देनी, देख लेते हैं यहाँ पे बढ़ जाता है यहाँ पे कम कर जाता है। अब इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी हमने मौसम देख लिया ना कि आज मौसम नॉर्मल है, कबूतर भूखा करके उड़ा देते कबूतर हमारा बैठ जाता है, ये बात होती उस्ताद या दोस्त इस चीज पे इतफाक नहीं करते कि नहीं कबूतर उतनी उड़ के आते हैं, फड़क पड़ जाता है, हमने कबूतर लगाए होते हैं जब हमें पता होता है कि इस टाइम पे उसकी खत्म हो जानी है, अब उसने आना ही आना है, ठीक है। और ये तरीकाकार हमने उस पर कबूतरों पे प्रैक्टिकल किए हैं, ये हमारी वो चीजें जो हमने प्रैक्टिकल करके उसको आजमाया है, उसको बनाया है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने लाके फिर विन भी किए हैं। अब तो ये आलम था कि यहाँ पे कबूतरबाजी का किसको कह देते थे कि यार बाजी ला ला, तो कह देता था तू मेरा प्राण है बाजी नहीं लानी। तो ये रैशदी कब जाती है? ये मुझे मैं बता रहा हूँ बैसाख में टाइम हो रहा है, जेठ में टाइम नहीं, मतलब रात में ही दी जाती है कि सुबह जाते जाते, सुबह के समझ लें कि कबूतर हमारी झंडी बैसाख में है 6 बजे, ठीक है, हमने उनको देनी है 3:30 बजे, हाँ वही ना रात के दरमियान 4 बजे 4 से 5 बजे तक हमने कबूतर फ्रेश करके इजीली कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद पानी देना, जेठ में जी पानी देना, जाने नहीं जाने से पहले जो पानी देना वो उसी वक्त दे दिया, तब उसको तब जो जो कर देना कर देना, उसके बाद हमने कबूतर नहीं छेड़ना, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद देखते रहना, हमने कबूतर इजी है टेंशन तो नहीं है, चल रहा है सही फिट है,
क्योंकि कबूतरों का तो मिजाज ही और होता है। ठीक है, अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, हमने सुबह नाश्ता नुश्ता करके फ्रेश होकर हमने घर से निकल जाना है, हम शाम तक भी कुछ नहीं ना खाएंगे, हमें परवाह नहीं रहेगी, हम यही हल्का सा वो कह लेंगे ब्रेड अंडा खा लेंगे तो दोपहर में साड़ी हट जाएंगी। ये चीजें बड़ी मायने रखती हैं, मुझसे ये प्रैक्टिकल करके सीखा हुआ है, बड़ा लंबा इसके पीछे प्रैक्टिकल है, बड़ी रातों की नींदें जाड़ी हुई हैं, बड़ा टाइम दिया हुआ है, बड़ी डांट भी खाई हुई है, फिर जाके ये चीजें सीखी हैं। नहीं तो फिर ये कबूतर आप कह रहे हैं जो रैश पे उड़ते हैं या दूसरे, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज भी फर्क होता है कि इस तरह के कबूतर को बंदर रैश दे सकता है या हर कबूतर को बस ठीक है। आप मेरे पास आए, मैंने आपको दिखाया था कि मुर्शिद मेरे कबूतरों का एक कबूतर मेरा 5 बजे बैठता वो मोटा 72 नंबर 87 नंबर, अब वो दूसरे कबूतर 4 नंबर थे उनका साइज देख रहे दोनों मुख्तलिफ, फिर वो 66 नंबर मादी वो बिल्कुल इतनी सी थी, उसने 6-28 मिसाल का बादर का नाम मेरी हवा का पौना। अब फिर आगे आ जाए तो वो दूसरे कबूतर वो मिसाइल जो ये वाला कबूतर था बड़ा, उसका साइज और ही अलग है, लाखे का सा, किसी कबूतर का एक दूसरे से साइज मिलता ही नहीं है मेरे कबूतरों का। अच्छा तो उसमें गोली का भी फर्क होगा रैश की? कोई फर्क नहीं, बराबर की रैश देनी है सब जी, बिल्कुल बराबर जानी है, कोई किसी को ज्यादा नहीं। हाँ अगर मैंने एक कबूतर से हिट लेनी है उसको फिर मैं ज्यादा करता हूँ रैश से, लगा दवाई भी, दवाई नहीं, दवाई की हमें सिर्फ जरूरत होती है उस कबूतर का महसूस करते हैं, वो भी बिल्कुल नॉर्मल, क्या यार ये कबूतर रुक के जाता है या ये कबूतर मादी के साथ नीचे रह जाएगा, चलो इसको उसको टच कर दिया, टच कर देते हैं बस कि यार ये रुके ना नीचे। अच्छा ये जो कहते हैं कि कबूतर गर्म उड़ता है, तो आप मानते हैं कबूतर गर्म उड़ता? सर किसी भी मौसम में किसी भी तरीके से कबूतर गर्म ही उड़ता है, गर्म ही उड़ता, कबूतर ठंडे वाला फर्क है, नहीं नहीं ठंडा तो नहीं ना होता वो तो बिल्कुल, लेकिन उसको गर्म करना स्पेशल अलग से किसी पानी से गर्म करते हैं कि बस एक ही दवाई दे दी वही होता है? अगर ये करते हैं आपकी बात समझ गया हूँ, आपको बता देता हूँ, कई करते हैं पानी से, गर्म पानी से अलहदा, हाँ कुछ करते हैं, कईयों ने अपना पानी बनाकर मजून दे दी कुछ, कईयों ने मजून रखी होती है, कईयों ने कोई और सिस्टम रखा होता है कोई गर्म करने का, लेकिन वो बाद में कोई गर्म पानी पे आ गए, वो गर्म करने का तरीकाकार हो रहा है, हर बंदे हर उस्ताद का हाथ ही हो रहा है। नहीं तो आप खुराक में गर्म करते हैं कि उसमें किस तरह से कितनी देर पहले गर्म करना चाहिए? गर्म ही होते हैं, हमारी रिहाइश सादी होती है, नहीं जो आम हमारा जो नागा है, नागे वाले दिन जो हमारी खुराक है ना वो डिफरेंट है, उसमें गर्म हमने उसमें उसको कर देना जो कर देना, मतलब इजाफी पानी नहीं को देगा कि रात 6 बजे जी गर्म करने के लिए पानी अलहदा लगा दिया, रात को दवाई टच जो है 11 बजे 12 बजे अलहदा टच कर दिया? नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं करता, ये सब फारिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल के आगे फारिक, मैं बताता जाऊंगा तो वो झूठ जितना मर्जी कुछ होता है। नहीं मतलब वो कुछ लोग करते हैं तो वो आप, हाँ तो आप ठंडा भी नहीं करते कबूतर को? मैं पिछले नहीं कभी भी नहीं करते, जो आया कबूतर उसको संभाला कैसे? सादे पानी में, सादा पानी कुछ भी, उसके बाद उसको सादी खुराक, जरूरत नहीं पड़ती, क्यों हमने गेम उस तरह की होती है, हमारे कबूतर हमारे हाथों पे लगे होते हैं। अब जैसे आजकल अब आपको पता मोटीवाल है, डेक्सा है, इन चीजों पे लोग इन चीजों पे उड़ाते हैं कबूतर, तो वो कहते हैं कि जी जब अगले दिन जो है ना रात को एक दफा थोड़ा सा दूध लाजमी दे देना चाहिए, एक तो पोटा साफ हो जाता है बीठे मार के, ये दवाई का असर उसर निकल जाता है, तो आप भी ये करते हैं? दूध के 2-3 काम है जो मैंने सुने भी हुए, प्रैक्टिकल भी किया हुआ, दूध देने के भी तरीके हैं। ठीक है, ज्यादा सबसे अहम बकरी का दूध है जो मिलता ही नहीं है आम शहरों में, बहुत कम मिलता है, अगर ढूंढने जाए तो मतलब लेकर रख लेता है, वो सबसे ज्यादा काम देता है। दूसरा दूध जो आम दुकानों पे मिलता है या दूसरा मिलता है, मैं मना ही करता हूँ और करूंगा भी, क्यों उसका पता नहीं है पानी है कि केमिकल है या क्या। अक्सर बात एक दो छतों पर मैंने देखा था कि कबूतर खराब हो गए थे दूध की वजह से, स्मेल मार रहे थे जैसे वो केमिकल था। ठीक है, तो ये हमारा एक ऐसा जूस है जो कबूतरबाजी में तो हम साथ बता देते हैं कि यार ये ऐसा कर लो उसको दूध, अगला केमिकल दे रहा है, दूध दे रहा है, पानी दे रहा है, लस्सी दे रहा है, दे क्या रहा है, अब उसको साइड इफेक्ट क्या होगा? नहीं लेकिन अगर हम सिर्फ दूध की बात करें, हाँ। तो देना तो चलो कि देना चाहिए कि नहीं, मुझे तो अभी कबूतर पे डिपेंड करता है, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि वो जब आप आए थे याद हमने तो कबूतरी को पानी दिया था तो दूसरे कबूतर को दूध की जरूरत ही नहीं थी ना उसको जरूरत थी, तो कबूतर के मिजाज पे डिपेंड है कि आपने दूध देना है कि नहीं देना, पानी देना है कि नहीं देना, गर्म पानी देना या सादा पानी देना। अच्छा उस्ताद जी कबूतर अगर बिगड़ गया, सबसे पहले तो ये कि बिगड़ता क्यों है? सर बिगड़ता यही ना आपके नारीपन से, अनाड़ीपन से बिगड़ता, इधर से भी सुन लिया, उधर से भी सुन लिया, फलां से भी सुन लिया, फोन से भी सुन लिया, अब वो जब सरिंजा हाथ में आई वो फाड़ दे सारा वेखी जाए, अगर सुबह बर्फ दे दिया शाम को आग दे दी, ऐसे तो नहीं ना होता बाबा जी। आप देखे बंदा है
अब वो रात को कुछ और खा लेगा और दिन में कुछ और खा लेगा, वो तो बढ़ गया ना। और ये जो एक चीज है कि जी कबूतर उड़ाए, आज मेरी बाजी लगी जुल्कनैन से, मेरी बाजी होगी, जी अब मेरे कबूतर जाना शामों को बैठ रहे हैं। बैठ आपने सुना होगा जहां भी हम जाए कवरेज करें, हर कबूतर शाम को ही हर किसी का बैठ रहा होता है, रहते लेकिन हैं। बाजियों में उनके 11 बजे भी बैठ रहे होते हैं, 10 बजे भी बैठ रहे होते हैं, 1 बजे भी बैठ रहे होते हैं। अब मेरा कहने का मकसद, उनसे जब पूछे तो वो कहते हैं फिर तो मैं बड़े अच्छे बैठे, बाजी अब मेरी लग गई जी जुल्कनैन से, और कबूतर मेरे 4-4 बजे बैठ रहे हैं, लेकिन जब मैंने तैयार करके छोड़े तो अगले दिन पहला 11 बजे बैठ गया। वो क्या वजह हो सकती है? सर उसमें वजह ये है, हमारे पास होती है पेंसिल, एक होता है रजिस्टर, हमने जब कबूतर बांध के छोड़ देने उसको गिन लेने इतने, फिर हम अभी स्टेज भी एक बताने लगे साथ में कबूतर छोड़ने का तरीका भी मैं जो प्रैक्टिकल करता हूँ। हमने जब कबूतरों को देख लेना, अब ये खुलने में तैयार है, उसको उड़ाने के लिए भी तैयार है, इसको हमने अब उड़ाना है, ठीक है। अब वो उड़ के कबूतर क्या करेंगे कि उसकी हम रूटीन बनाएंगे कि ये कबूतर इन रूटीनों में बैठते हैं, ये कबूतर इकट्ठे भी बैठते हैं, ये कबूतर इस कबूतर से खार खाता है, इससे हिट ले जाता है, ये चीजें हम बड़ी उस चीज में परवाजों में देखते हैं और ये बड़ी चीजें काउंट होती हैं। हमारे जो तरीकाकार ही दोस्त अगर कहीं कुछ करे कि भाई ये नहीं सूटेबल नहीं है, ये ऐसे है यार, ये चीजें कामरम भाई कबूतरबाजी में बड़ा जो है ना वो करती हैं, ठीक है। इसको अब जो कबूतरा कह रहे हैं ना इकट्ठे बैठते हैं, वो उनमें से आप अगर किसी को डीपली रिसर्च करेंगे ना, उसमें पीछे रिहायश नहीं देगी, ये किरदार बहुत अहम है, ठीक है। अब रिहायश कहेंगे जी वो फलाना कोई दाने का देता है, कोई मकई का देता है, कोई बाजरे का देता है, हर बंदे ने अपना 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 एक जाविया पक्का करके रख लिया कि मेरा यही चलता है, उसने उसको हजम भी करवाना है, उसको चलाना भी है। अब जो कबूतर इकट्ठे बैठने वाली गेम है ना, अब हमने कबूतर पड़पड़ाई कर दिया जी, 100 कबूतर पड़पड़ाई कर दिया, ठीक है। 100 में से हमें पता है कि हमारे ये 15 कबूतर बैठती 2 बजे के बाद है, ठीक है, 15 निकल ही आएंगे 100। अब वो जो 2 बजे के बाद बैठने वाला कबूतर, हमने उन कबूतरों के ऊपर अपनी नजरेसानी पूरी कर देनी है कि इसको ही हमने तो उनको नजरों में रखना है, बताया पीछे फेंक उड़ रहे हैं, ठीक है जी अपनी कोई उनमें से आगे आ गया तो बाद में नजर में चढ़ेगा ना। लेकिन जो 15 कबूतर है ना उनको हमने चलाना शुरू कर दिया, फिर हमने उनका वो पर्चा बनाई जाना यार, कभी वो बढ़ गया कभी वो बढ़ गया। हमने वो चीज करनी है कि यार ये कबूतर कम नहीं हो रहा, ये 2 से ऊपर ही है, फिर हमने उसको रैश देनी है, वो आएगा 4 पे 3 पे 5 पे भी आएगा, फिर हमने उसको बढ़ा देना है, वो देखेंगे कहाँ तक आएगा, फिर उसको बैकअप लेके जाना, जैसे मैंने कहा जल्दी बिठाना है, हमने 1-2 हाथ खींचने हैं उसके, वो 11 बजे 12 बजे भी बैठेगा। जो आप चीज कह रहे हैं ना कि यार कबूतर 11 बजे क्यों बैठ गया, उसके भी एक तरीका है। देखें मैं और कामरान कबूतर संभाल रहे हैं, हमें पता है हम कबूतर कैसे संभाल रहे हैं, हमें पता है इसको कितनी डोज देनी है, कितनी गोलियां देनी है। थर्ड पर्सन आ गया, सादे मोहतरम आए, शैंडी निकली, खड़काई, ठक, वो आपका फॉल है। क्यों? आपने भड़क ली, आपने कबूतर को संभाला, आपने कबूतर को चलाया, हर चीज आपको कबूतर की पता है, आप उस्ताद साहब को क्यों झूठ बोल, और आप खुद भी अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो आप उसी तरतीब से चलें जिस तरतीब से आ रहे हैं। वो सबसे अहम बाजी वाले दिन लोग पता क्या करते हैं, बाजी वाले दिन ये करते हैं कि इजाफी काम बाजी वाले दिन करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। जो पक्की फड़कों का मतलब ये होता है कि आपने हर चीज उसमें आजमा ली, बता रहा हूँ ऊपर नीचे कर, हाँ वो पक्की फड़कों में अगर आपने नहीं कुछ दिया और एकदम देंगे तो उससे भी कबूतर में फर्क पड़ता, फिर वो ये चीज बैकअप आ जाएगी, इसमें बैकअप में आके वो रूटीन से कबूतर हट जाएगा, हट जाएगा, फिर वो कबूतर खराब होना शुरू हो जाएगा। क्यों? अब जो चीज उस्ताद साहब दे के गए हैं ना, अगर तो वो एक मंजा हुआ उस्ताद है, उसको पता होगा मैं ये चीज दे के हूँ, उसका मैंने रिकवर इससे करना है। जब उसको रिकवर का पता नहीं ना होगा, वो अपने शिगिर्द को मरवा देगा कैसे, वो कबूतर तो उसकी रूटीन में ब्लोअर में 7 बाजी उड़ती हैं, अब वो पहले दिन मर गया, वो अगले दिन क्या करेगा, कुछ भी नहीं पा रहे, 4 घंटे गेम नीचे चलेगी तो पकड़ी नहीं जाती, अब फिर और जोर लगवाएगा तो और नुकसान की तरफ हो जाएगा, ऊपर से नहीं आएगा। ये चीजें वो हैं जो आपको एक 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 स्टेप से चलानी है, चला के इसको फिर एक एक पॉइंट को देखना भी रह आना जाए। कितनी फड़के कबूतर को लगी होनी चाहिए? हम चेतर के आखिरी इतवारों से शुरू होते हैं, हमारे कबूतर चेतर से, पहली चेतर से कबूतर बाहर होते हैं हमारे शाम में। हाँ जी शाम में नहीं, हम शाम वाला सिस्टम खत्म कर देते हैं। क्यों खत्म करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। लाइटों पे नहीं, बड़े अच्छे कबूतर लाइटों में जाया हो जाते हैं शहर में, बड़े बड़े अच्छे घरों के जाया हो जाते हैं, जो कहता है ना मेरे नहीं जाया होते, मैं खुद पास बैठूंगा उसे कुछ आंख उड़ाए, उस पूरे करने में भी उसका बड़ा कबूतर गया होगा जो पूरे करेगा।
हम कबूतर सिर्फ निकालते हैं अक्सर औकात शाम को पिंजरों में बाहर, लाइटों का आदि कर लिया उनको सिर्फ रोशनी लाइटों में का। दिखा लिया या बड़ा हुआ ना कि देखा यार ये कबूतर हमारे पुराने कबूतर को कमरे में लाइट की जरूरत नहीं है। नहीं, जो पुराना हो गया वो तो गया ना, वो तो बैठेगी। हाँ, लेकिन एक आधी दफा फिर भी उसको बस दिखानी जरूरी होती है। कि हमने जेट की बसात चित्र में सेटिंग में बता देता हूँ, बसात जेट क्या चित्र हम ये करते हैं कि जब कबूतर को देख लेते हैं ना यार ये बंदे में चार चार घंटे लगाने शुरू कर गए, हमने क्या करना, उड़ के आ गया बैठा रहने दिया क्योंकि वो दोबारा कबूतर बंदा नहीं उड़ेगा। हमने उसको टाइम देख लेना, अब ये मगरब हो गई है लाइटें चला देनी, हमने बंद लाइटों में करना है ताकि उसको पता हो कि भी लाइटों में मैंने वो जब खुड़े के अंदर कबूतर फ्रेश हो जाता है, जब हमने थोड़ा सा कोहरे फेंकने दाना फेंकना उन्होंने ठापे लगाने शुरू कर देने, कबूतर ऊपर नहीं जाते उस टाइम, कबूतर टावर चले गए, दो टावर चले गए कबूतर बैठ जाता है, उतने में उसकी रनिंग दो चार दिन हम करवा देते हैं, फिर हमें आंखों में आ जाता है कि यार ये कबूतर है बह जाता है, फिर हम दो चार झटके भी लगवाते हैं किस तरह हमारे पास यूबीएस ही नहीं है, बंद कर दी नीचे से सारा, फिर चला देते हैं कबूतर ऊपर आ जाता है, हमें पक्का आ जाता है इसने बैठना ही बैठना, भावे लाइट भी चले जाते बैठना। ये चीजें हम प्रैक्टिस करवाते हैं शहर में, लाहौर में तो गुंजान बात है ना बिल्कुल, वो एक से एक जाल जुड़ा हुआ है। हमारे उधर आपने देखा था कि मेरे इर्द गिर्द 26 छतें थी जिसके सेंटर में मैं बैठा हुआ था, छत मेरी ऊंची थी लेकिन मुझे उसका नुकसान ये था कि इर्द गिर्द लाइटें कबूतरों को और ज्यादा नजर आती थी। ठीक है, वो मेरे जो मैंने वो पूरा वो एयरपोर्ट की तरह पट्टी सी बनाई हुई थी, कबूतरों को मैंने अलग एक सीन दिया हुआ था, वो बैठती वहीं थे ऐसी है। ठीक है, वो छतरियां भी मैंने लाइटों के ऊपर लगाई थी, मैंने अपने कबूतरों को दूसरों से हटके एक चीज मुहैया की थी। ये कबूतर बाग हम देखते हैं दायरे लगा निशानियों को लादा दे उनको बैठाने में इजी करें ताकि कबूतर देखे कि मैंने इधर बैठना है, ये मेरा अलग सीन है, ये मेरी जगह। कबूतरों को हमने भी थोड़ा सा करना गाइड करना, कबूतर तो सियाने हैं ही। फिर तो मैं दाना दाना कैसे डालते हैं, फिर तो मैं दाना तरतीब चेंज की जाती है जी, रोज के रोज चेंज होनी, नहीं मतलब कच्ची फड़कों में और है, पक्की फड़कों में और। मैं कह रहा हूँ भाई मेरा पटाइयों में दाना सिर्फ चेंज होता था, नहीं तरतीब किस वक्त, वक्त की तरतीब क्या, वक्त हमारी दोपहर 2 बजे राइट है स्टार्ट हुआ जब से, पर पटाइयों में भी 2 बजे। अब कबूतर जो आगे बैठे हैं, जो कबूतर आगे बैठे तो रात में फिर उनको किस तरह से दाना देना, मेरा ज्यादा पटाइयों को अपना पटाइयों का कह रहा हूँ, उड़ान में तो यही होता था कि ज्यादा मैं कबूतर खुराक पे लेके जाता था, दाना बिल्कुल इतना सा 10 दाने 15 दाने सिर्फ एज अ टेस्ट, मतलब उसके जो हुड़क है वो खत्म कर, हुड़क खत्म हो जाए बस, बाकी खुराक भी चलेगा। तो खुराक हाथ से के डाल के जमीन में, कबूतर में जो है जब जब हमने कबूतर तैयार करना है ना रैस देने तब हाथ से, जब कबूतर उड़ के आता मेरी कोशिश होती कबूतर खुराक खुद खाए, क्यों वो उसमें कबूतर की बिठे भी चल रही होती हैं, पानी भी चल रहा होता है, उसका हजम भी तेज हो रहा होता है, बाजगत मैंने सुना है उस्ताद से 18-18 20-20 कोरियाँ हजम करा देते हैं, कभी शिगिरदों ने ये भी सोचा कि उस्ताद जी कैमें हजम करा देते हैं, कबूतर की रैट की है, कबूतर की कर रहा है इस टाइम, कबूतर उस्ताद चला के मेरे बार बार अंदर बार से कर रहे हैं लेकिन उस्ताद के हाथ भी तो खाली देख रहे हैं, फिर वो मतलब तरीकेकार फोकस करें, ये चीजें वो जो लोग सिर्फ मीडिया पे सुन सुन के ना वो भूल गए हुए इन चीजों को, इन तरतीबों को, और उन तरतीबों पे आएंगे तो फिर ये इजी हो जाएगा सबके लिए। अच्छा, ये जो तरतीबें होती हैं आप समझते हैं कि हर उस्ताद की अलग ही होती है, तकरीबन अलग होती है, तकरीबन होती है, तकरीबन अलग, लेकिन ज्यादातर अलग नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क होता है बस, फर्क होता है वो बताते नहीं है हम खुद, अब आप जाते हैं या मैं जाता हूँ, मैं प्रैक्टिकल हूँ आप भी प्रैक्टिकल, हमने आगे के अगले के कबूतर पकड़ के देख लेते हैं, एक दूसरे की शक्ल जरूर देखते हैं, ठीक है हम तो समझ जाते हैं, हम अगले को नहीं बताते, अगला ना बताते, जो प्रैक्टिकल बंदा होता है ना वो अगले के खुड्डे में जाकर या उसकी स्मेल से भी बता देता है ऐ मरिया है। ये चीज है, मेरी एक बाजी गुजरी थी मैं बताता हूँ, जेट की बाजी, जब मैं जेट चैंपियन हुआ था आप आए थे मेरे घर से, बाजी थी बड़ी वो एक वो समझ ले मेरी लाइफ की बड़ी इंजॉयमेंट वाली बाजी रही है, टूर्नामेंट भी बड़े इंजॉय, मैं जेट का चैंपियन हुआ था, 28 मई का दिन था, सूरज ग्रहण लगा हुआ था तब, चांद ग्रहण था सूरज ग्रहण था मुझे याद नहीं, वो लगा हुआ था, जिस घर से मेरी बाजी थी वो अपने इलाके की बड़ी तगड़ी छत थी, और हमारे कबूतर अगर 2 बजे बैठ गए तो उसके 2 बजे बैठने शुरू होते थे। ठीक है, मेरे से उम्र में भी बंदा डबल था, उसका तजर्बा, वो भी रैश में वो मकई पे कबूतर लगाते थे। अब उस दिन मैं गया हूँ सलोन पे कटिंग शटिंग करवाने, हाल बड़ा बुरा, दाढ़ी बड़ी अजीब सा हो रहा, बाजियाँ चल रही थी, काफ़ी बाजियाँ उड़ा चुके थे हम तक, तो उस दिन कबूतरों को किसी को 15वीं मोर थी, किसी को 16वीं मोर थी, इतनी बाजियाँ मेरे कबूतर उड़ चुके थे, वसाख के चले आ रहे थे। भाई इमरान को मैंने कहा यार इस तरह मैं गया हूँ तो मेरे एक बंदे से ना बहस हो गई है, उस बंदे के साथ बाजी बढ़ानी है, ये इस तरह का सीन होगा,
कहते यार तू रिलैक्स हो कर जा मैं आ रहा हूँ। मैं आया तो भाई हंस पड़े कबूतरों को देख। मैं पहले आज मावंदर ऊपर था भाई कबूतर के पास चले गए, तो कहते यार बेफिक्र था थापी थी इसमें कबूतर बड़े तैयार है बेफिक्र हो जा कुछ नहीं करना मैं इधर नहीं। मैं ठीक है अच्छा हम इंजॉयमेंट करनी शुरू कर दी ऊपर बैठे हुए दोस्त यार बड़े आ जाते थे बड़ी इंजॉयमेंट होती थी। अच्छा फोन आ गया जी बाजी बढ़ानी है। मैं कह जी बिस्मिल्लाह। उसने उससे बाजी थी हमारी 3 दिन की। फिर जब उसको किसी ने बताया कि ग्रहण लगा हुआ उसने रात 9 बजे कॉल करके कहा नहीं मैं बाजी नहीं बढ़ानी। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन ये हुआ कि मैं कबूतर उड़ा देता हूँ 5 बजे पल्ला भर जाता है 8 बजे नाश्ता उसका दे के मैं सो गया। अब मुझे नहीं पता कि ग्रहण लगा हुआ है जेल से निकल गया सोया हूं। 11 बजे ना नीचे पैगाम आता है वाइफ मेरे कहते हैं कि ऊपर बुला रहे हैं वाजे आ रही। ठीक ऊपर गया तो उन्होंने कहा जी कोई कबूतर नहीं बैठा और जिन्हें मैं बाजी लगी सी एक 6 बजे बैग मर गया 6:15 बैग मर गया एक 8 बजे जालम वज के पिछली गली चिड़क के मर गया। ठीक है बाकी कबूतर 5 लापता है। मैं यार की गल है उन्होंने कहा भाजी अपना कबूतर 8:30 तो बैठा सीधा नहीं हो रहा। मैं कह जी वो कहने उन्होंने कहा जी लट्ठे उड़ा के सू थले आया थले ही आगे थली रह गया। मैंने भी सर पकड़ के बैठ गया मैं कबूतर ऊपर उन्होंने नजर कोई कह नहीं आ रहा। मैं कहा ठीक है। मैंने भाई को कॉल की मैं जरा कह रहा मार रहा हूँ रस्ते में 5 मिनट में वो भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा रिलैक्स हो। तब वो हमारे ना खलीफा बशारा साहब थे वो कप उड़ाते थे फोत हो गया लगना सीट पर बड़ा अच्छा कप उड़ाते थे। उन्होंने कहा कि शाहजी कितने उतरे रहे। मैं कह जी सारी उतरे एक बह गया। उन्होंने कहा जी और की चाह हालत कैसी हस के कहते हालत कैसी साहब पुठे तो नहीं हो गए। मैं कह जी कुछ नहीं होगा कबूतर सही है। मीर अली जाफरी साहब छत गए थे तब कोटक जमा गए उन्होंने मुझे भेजा उन्होंने कहा तू जा कबूतर देखने पे परछत देख गया उस कप में 38 छतें उड़ रही थी उस वक्त जेठ की कप में 38 छतें वो टोटली वही छतें थी कैमरा भाई जो सारे कपों में थी जिनका मैं चैंपियन हुआ। अब मैं चला जाता हूँ उधर वो खलीफा साहब के पास। मैंने जब चार्ट उठाया ना यूं किया मैं कहा वाकई सारे तो बह गए यूं मेरे रंग उड़ गए एकदम यूं सारे तो बह गए। उन्होंने कहा जी हाँ जी सारे तो बह गए। मैं जी ठीक हो गया। अब मैंने वहीं से फोन किया मोटर को किक्के लगा रहा हूँ मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई उसे तमाम करके कबूतर बिठाने शुरू कर हमारा पहला कबूतर भी तकरीबन सबसे जीत के बैठा आखिरी कबूतर भी बैठ गई जीत के बैठे सारे। ठीक है 43 घंटे बने और जो हमारे से दूसरे नंबर पे था नहीं वो आपके कबूतर नजर आ गए फिर हमारे कबूतर 12 बजे के बाद निकलना शुरू हो गए। अच्छा 12 से 3:08 और 3:13 के 2 बहादुर कबूतर मेरे लगे पूरे शहर में और 7वां कबूतर मेरा रात 7 बजे तक जाल पे लगाया नहीं बैठा। फिर उन्हें संभाला कैसे वो कबूतर तो बिगड़े होंगे उन कबूतरों को कुछ भी नहीं हुआ। यही तो मैं बात आपको बता रहा हूँ कितनी मोरे 15-15, 16-16 मोरे कबूतर खा गए थे गिजे हुए कबूतर थे। आपके कहने का मतलब पक्के बड़े थे कबूतर और हमने सादे सिर्फ रैश पे उड़ाए हुए थे। कहने का मतलब ये है कि रैश की गेम इतनी अच्छी इतनी कामयाब है जिसको करनी आ जाए कबूतर को दवाई की जरूरत नहीं पड़ती और हर मौसम झेल के कबूतर घर आ जाता है। ये मैंने बात और बात इसलिए आपको बताई है कि ये लाइफ में फिर मेरा ये पक्का हो गया था इससे आगे मैंने नहीं जाना मेरा हाथ यही रहा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर कप दूसरे नंबर तीसरे नंबर दूसरे यहां तक काम हो गया था कि टूर्नामेंट्स वाले एंट्रियां नहीं लेते थे आके वो यार तो कल फिर वापस ले लेने ये आलम कबूतरबाजी का मैंने अपना अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा तो मैंने ये देखी हुई है कबूतरबाजी अपनी की हुई है। ठीक है अपने इलाके में फिर मजेदारी तो यही आती है ना कामरान भाई आप जब हाथ से करते हो ना आपका तजर्बा बढ़ जाता है चाहे आप अपने उस्ताद से सीख रहे हो चाहे आप अपने किसी दोस्त से सीख रहे हो चाहे कोई सिखाने वाला ऐसा आपके सर पर बैठा हुआ जो सिर्फ आपको फोन में बिता रहा है लेकिन आप दिल से मुखलस और नियतन सीख रहे हैं कर रहे हैं प्रैक्टिकल के बगैर सब झूठ है कोई चीज नहीं। मैं भी ऐसा करता था मैं भी ऐसे ही करता था 2018 तक मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके की मुर्गी था भी कहता था इन्हू जित लो ये पैसे जेबी च तो लास्ट जब पहला मैंने खेला था मेरे कबूतर नहीं बैठे थे ऐसे ही हुआ था अगले सीजन वैसे ही सारा कुछ हुआ अल्लाह पाक इस तरह से नवाजता गया फिर छोड़ा ही कुछ नहीं। ये चीज मैं कह रहा हूँ जब आपका एक तो ईमान पक्का होना चाहिए जो आप दे रहे हैं कि आपका उस्ताद अगर कुछ चीज दे रहा है आपकी अपनी भी उस पर रिसर्च होनी चाहिए क्या करना है क्या अच्छा, अच्छा पॉइंट्स को मानते हैं आप कबूतरबाजी में। नहीं मैं नहीं मानता मानते नहीं यार आप खुद भी बगले बुगले लंबी बगलों के कबूतर करते रहता हूँ मैंने आपको बताया कि मेरा कोई आपने भी देखा मेरे पास लेकिन आपकी अपनी बात है आप ही की लाइफ में एक दिन आपने कहा था कि देखें बगलें कितनी लंबी हैं कबूतरों की बगलों का मैंने ये किरदार देखा हुआ है कि कबूतर ना ब्रीडिंग में बड़ा अच्छा काम देता था
चोरी बगल का कबूतर, मैंने ये चीज पे थोड़ी सी रिसर्च किया, जोड़े भी मैंने बनाए बड़े बड़े अच्छे, अलहमदुल्ला रिजल्ट भी आया। तो उड़ने वाले कबूतरों में मैंने एक चीज बड़ी नोट की, उनके बंग अच्छा। हाँ जी, क्या बात कर रहे थे, बगलों की आप बात कर रहे थे? मैं कह रहा था जी उसके भी हमने पॉइंट्स देखे ना, तो हमने उसमें कुछ चीजें देखी हैं जो हमारे काम आई हैं। उड़ने वाले कबूतरों में बगलों के पर जो मैंने काउंट किए हैं बड़ा हमें काम आया, कबूतरों को देखा हमने, अच्छा सर्च की है। ब्रीडिंग में भी उस तरह के कबूतरों में बड़ा अच्छा काम दिए, तो इस चीज में उस दिन मैंने किया था कि बगलों के पर क्या अहमियत देते हैं, आपके वाले इंटरव्यू में मैंने कहा था। तो आपने भी बताया कि किसी जगह ये काम करते हैं, किसी जगह इनकी जरूरत नहीं होती, कई जगह पे नहीं भी स्ट्रक्चर में चीजें आ जाती हैं, वो आप भी कहते हैं, दूसरे साल भी कहते हैं मेरे से, आप ढेरों सीनियर बंदे हैं, वो आ जाते हैं जी कबूतर जल्द तैयार होता है, इस तरह का कबूतर बहुत ज्यादा जल्दी तैयारी में भी आ जाता है, बड़ी चीजें हैं जो कबूतर में स्ट्रक्चर जो है बड़ा हम करते हैं बहुत बहुत ज्यादा। और जो बंदा स्ट्रक्चर को समझ गया ना वो थी फुल स्टार बंदा, से आगे मैं नहीं समझता वो चीज़ है। आप समझते हैं कि आप समझ गए स्ट्रक्चर को? कुछ 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 समझ गया, क्योंकि मैं अच्छा बाजगत बंदे कहेंगे कि ये समुंदर है, सर समुंदर च बढ़ोगे ना समुद्र के पानी में समझोगे कि थे किन्ने कु ताड़े है, किन्ने कु तारू, किन्ने कु तारू, किन्ना कु तार समझे, किन्ने किलोमीटर के समुद्र में दूरों वेखो दी वास्तो नहीं डरी दा हुंदा, उंदे विच उतरी दा फिर मजा आउंदा है। हां सही गल है, अहम चीज है ही ये समुद्र नहीं हैगा, इन समझो। कोई भी इलम मैं चीज समझना कि कोई भी इलम ला महदूद नहीं हैगा, उंदे तुसी जदो अबूर हासिल कर जाओगे ना वो उठो दी करिए, उन्हें तो बूर हासिल करना तो इलम होगा कि तुम इन्ना कुछ सीखी है, इन्ना कुछ प्रैक्टिकल कर सकते हो, इन्ना कुछ ला सकते हो, उन्होंने तुम इलम का समझ लो कि कह सकते हो कि यार है। और अब ये देखना कामरान भाई पीएचडी है ना लास्ट सब्जेक्ट स्टडी का, एमए हो गया, डबल एमए हो गया, आगे पीएचडी एमए करनी है, सही है, उससे आगे को क्लास ठीक है, ऐसी है ऐसी है, अभी तक तो यही है ना, डबल पीएचडी कर लेंगे, ट्रिपल पीएचडी कर लेंगे, घुमा घुमा के वो क्यों करनी है, आप अकल से पैदल उतना आप रहे, उसे उस तक देखें, उसकी रिसर्च को पूरा करें, खाली किताबें ना पढ़ें, उसकी रिसर्च को पूरा करें कि हाँ मैंने ये कामरान भाई से चीज पूछी थी क्या ये ठीक है, क्या ये इसको अमल अच्छा, जोड़े बड़े लगाए कबूतर हो गए, अपने जाति भी लगाए, लोगों के जोड़े भी जाके लगाते रहे, कई कई दोस्तों के जोड़े लगाए, कि क्या ऐसा पॉइंट आप देखते हैं जोड़े जोड़ेबाजी में, कि ये किस चीज को मद्देनजर, जाहिर बात है स्ट्रक्चर हो गया जी, हाथ की डाई तो हो गई, लेकिन वो किस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप जोड़े को एक जोड़बंदी में डालते हैं कि यार ये जोड़बंदी ठीक है? कामरान भाई मैंने जोड़ों का शौक ही नहीं किया था, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ, मैंने जोड़ों का शौक किया ही नहीं था, जोड़ों का शौक मुझे पड़ा जब मैं पागी का शिगिर्द हूँ चेयरमैन साहब का, फिर मैं वहां पे आ जाता था सुबह सुबह गाड़ी में सारा दिन जोड़े देखते रहना, अगर मैंने उनसे कबूतर नहीं लिया मैंने जैसे कबूतर बनाने की कोशिश जरूर की, क्यों मैं दड़बी का काम करता हूँ सेल पर, जो सबको पता है मेरे पास कबूतर आते जाते रहते हैं, मैं उनमें से जो मुझे अच्छा लगता है ना मुंह में लगा रहे, तो अच्छे लगने से मुराद ये उन जैसे शक्लों के कबूतर, उन जैसे रंगों के कबूतर लगा दिए, फिर उन जैसे मैंने बॉडी स्ट्रक्चर देखना शुरू कर दिया, मुझे बॉडी स्ट्रक्चर का आपसे पता चला यार यह चीज देखा क्या, मैं बता दूं मुझे आपसे पता चला ये चीज, असी उस्ताद बनने ये चीजें छोटी 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 सीखनी शुरू की ना, तब मैंने जोड़ों पे जाकर फिर एक रिसर्च मैंने देखी, इस पर रिसर्च की, मेरा कबूतर उड़ता था डुडा, उसका एक बालू शायद हो गया था, यहाँ से उड़ने वाले कबूतर का मेरे पास जोड़ा लगा, उस जैसे बचे मेरे पास किसी ने नहीं उड़ाया, सही बात, दो तीन झोलियां उसकी मेरे पास उड़ी, पहला जोड़ा मेरे पास अकेला रहा वो तकरीबन 6-7 इसने बड़े बच्चे मेरे पास उड़ाए, खुद उड़ने वाला कबूतर या किसी का बच्चा अगर उड़ गया तो वो कबूतर आगे फिर बच्चे उड़ाते ही रहते हैं। आपको याद होगा एक मेरे पास 42 नंबर कबूतर था, जब उस्ताद नुमान भट्ट साहब मेरे घर आए थे, जब आपने कहा था इनू का उड़ाना पे, वो 83 नंबर कबूतर जो जेड़ मुड़ता उसके साथ ही 42 नंबर भी था, जिसको मेम साहब का कहता, मैं कहता था कि बड़ा मुश्किल लाख रुपए का लिया ना, वो तो मैं डाल रहा, वो कबूतर उनके कहने पर रोक दिया, वो अच्छा वो परला अपने होम में शाम में बैठता था, तभी मैंने कहा था वो शादी कल भी शाम, वो हमने रुकवा दिया था ना, वो इन्होंने आपने रुकवा दिया। अब उसके साथ एक फीमेल लगी थी सियालकोटी, वो मादी थी, जहां से मुझे सही क्रेज आया, मैंने आज कबूतरी उड़ाई सुबह, सॉरी आज वो छत के ऊपर गया, मुझे कबूतरी छत के ऊपर उतरी भी किसी की, मैंने उसको पकड़ के बंद कर दिया,
अब मेरा मालक सुबह सुबह अगले दिन आता है, उसको नहीं पता कि वहाँ पे कबूतरी बंद है, उसने वो पिंजरा खोला, कबूतरी उड़ा दी, सुबह सुबह से कबूतर हमने उड़ा दिया। वो कबूतरी शाम तक हमारे कबूतर बैठे, उसके साथ ही कबूतरी आई नीचे, नहीं बैठ सकी, निकल गई वापस। अच्छा, सुबह सुबह फिर हम उसी रूटीन में आए, मैंने कहा कबूतरी आएगी, वो निकली से छत के ऊपर कबूतरी खड़ी हुई, अब घंटा वेट किया, नहीं आई नीचे से, फिर कबूतर मार दिए, कबूतरी बंद हो गई, फिर शाम को कबूतरी निकल आई, फिर उसी दिन वो गायब होगी शाम को मगर पे टाइम। तीसरे दिन वो कबूतरी रात रह के अगले दिन सुबह हमारे पिंजरे के ऊपर बैठी हुई थी, सुबह सुबह जब मैं ऊपर गया मैंने वो कबूतरी पकड़ी, मैंने उसके साथ वो सियालकोटी कबूतरी जो बड़े शौक है, वो कबूतरी उसके साथ लगा दी, वो लब लब के आ गई होगी ना, वो किसी की पहले भी नहीं निकली, लेकिन वो सारा दिन ऊपर रहती थी। अब वो तीन दिन उड़ी वो हो गई, वो पर लापरों में शाम में बैठने वाला मैंने छोड़ दिया, उसका रिजल्ट क्या आया, हर बच्चे ही शाम को बैठता था, जिसको मैंने छोड़ा वो जाया भी नहीं होता था, घर बैठता था। वो एक बच्चा छोटा था दुमकटी, आपको दिखाया था कि यार ये कल मैं बहादुर जीता हूँ। टीबी वाला कौन सा कबूतर है, कौन सा वाला, टीबी वाला, टीबी वाला, टीबी वाला टीबी एक बंदे हैं हमारे, वो क्या नाम, मेरा नाम उनके जहन में आ रहा, उनसे कुछ कबूतर हमने परचेज किए, बच्चे बच्चे परचेज किए, गालबन 20 एक दफा, 20 एक दफा, 20 एक दफा, उनकी भी चले वो अगर जिक्र करें उनकी स्टोरी सुना देता हूँ। वो जी बच्चा उनका हमारे पास सिर्फ एक ही उड़ा है, वो भी मुराद ये, उसने को हमारे से 40 मैथक बाल के टीके दिए हुए झोले में बच्चे ने। अच्छा, 40 टीके क्यों मुझे याद है, क्योंकि वो बच्चा मेरे पास उड़ता था अच्छा, उसको हो गया झोला, वो मैंने उसको मार दिया, बाकी कबूतर बेकार थे और कोई भी नहीं उड़ा मारा। अच्छा, एक बच्चा उड़ा, वो भी किस तरह का बच्चा उड़ता था, आखिर में वो बैठ जाता। अच्छा, वो उसको झोला हो गया, हमने वो बीमारों में छोड़ के उसको टीके पिलाने, हमने और भी कबूतर बचाए हुए, मेरे पास अभी भी दो बच्चे मेरे पास अभी भी मौजूद है झोले में, जो लाहौर में साथ ले आए, कबूतर मुड़ने वाले साथ ले आए काट के। अच्छा, उसमें वो दो कबूतरियाँ भी अभी भी हैं, वो बच्चे मेरे शाम को बैठते, अब मैं उनको साथ इसको भी वो दे देता था मैथक बॉल के टीके, वो सही होता गया होता गया। एक दिन महावत साहब ने पकड़ के नीचे से ऊपर छोड़ दिया, वो उड़ के बैठ गया, फिर निकाला, फिर उड़ के वो जी फिर स्टार्ट हो गया, उड़ने लग गया वो, फिर वो था कि फड़कों में 10-11 बजे 12 बजे, जिस दिन उसको रैश डबल कर दी उस दिन शाम को, सही हो गया ये चीज थी। वो चार नंबर था, अच्छा होगा अभी मेरे पास, अच्छा होगा। चार नंबर मेरे पास दो है, एक नसरुल्ला, चाचा नसरुल्ला है पुलिस में, उनका बड़ा अच्छा उड़ा है, उनसे भी मैंने बड़े लाए, बड़ा नुकसान किया हुआ, क्योंकि आपको पता कि जब मुझे पता चीज अच्छी लग जाए मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं देखता कितने की है, कितने की है। लेकिन 60 बच्चों में से एक बच्चा उड़ा था, 60 में से एक उड़ा, 60 बच्चों में से एक बच्चा उड़ा था, तभी उसका नाम लिया जा रहा है भाईजान टीवी वाले का, बता दे इसलिए जिक्र कर रहे हैं ना, वो पब्लिसिटी नहीं करवाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको बता रहा हूँ कि आपके 60 बच्चे 60,000 किसी जुबान में कह देता हूँ, 60,000 का एक बच्चा पड़ा हमें आपका, मेहरबानी फिर भी आपके कबूतर हमारी जीत में किरदार अदा किया। भट्ट साहब थे, हाँ जी भट्ट साहब, वाह भाई वो ही भट्ट साहब ही कह रहे हैं टीबी वाले का पता कर दे, लेकिन उनको ये भी याद है कि 60,000 का एक बच्चा उड़ा था हमारे पास। तो ये लाहौर से गए में शेखपुरा से, अच्छा वहाँ किसी इलाके का नाम है टीबी, टीबी हम वो, अच्छा अच्छा अच्छा। आपके शागिर्द भी तो उड़ रहे हैं, आप कितने शागिर्द कर लिए सर? एक चकवाल में शागिर्द है, एक पिंडी भटिया में। अच्छा, पिंडी भटिया वाले मेरे बहुत ही वो समझ लें कि वो मानने वाले, तो उनको भी एक दो उस्तादों ने हाथ किया हुआ था, तो फिर वो मेरे शिक्षक को मेरी इससे काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे इज्जत की जगह रखा, उन्होंने मेरे शिक्षक को, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ, बड़े अच्छे बंदे हैं। उनके पास कबूतर मैंने बड़े अच्छे बना दिए थे, उनका कबूतर चोरी हो गए थे। अच्छा जी, हाँ जी, उनके कबूतर चोरी हो गए थे, वो भी बाद में कबूतर ढूंढ गए थे, लेकिन वो ख़त्म हो गए थे कबूतर, क्योंकि मादियाँ नहीं, ढूंढ लिए थे कबूतर। एक मेरे चकवाल में शिक्षक हुए थे, वो जमाल भाई, अच्छी तैयारी थी उनकी पिछले दिनों, लेकिन कबूतरों में ना मिस्टेक ये थी कि रातों के लगाए नहीं थे उन्होंने कबूतर, कबूतर अक्सर रात रह चुके थे उनके, रातों को लगाया होता है कबूतर। अच्छा यार, ये अभी ना एक और एक हमारे दोस्त हैं उस्ताद जेडे खान, उनके भी कबूतर चोरी हुए हैं, कल अपने जाना है उनकी तरफ, शायद आपके साथ ही होंगे, तो वहाँ उनके ना 2-4 कबूतर हैं जो पुराने कबूतरों में से ही हैं, वो जो बच्चे बचाए हैं वो दिखाने, उनसे मिलते जुलते कबूतर, या आपके तवस्सुत से चले लोगों को बता दूं कि भाई वो कबूतर आपको कलम दिखाएंगे, जरा गौर कीजिएगा, उसी तरह के कबूतर हैं सारे, 600-650 कबूतर जिसमें पुटाई वाले, जोड़ों वाले, बच्चों वाले, बच्चे बड़े। एक और चीज सामने भाई, मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ, क्योंकि आपका माशाल्लाह मीडिया चैनल इस पूरी पीक पे है, हर बंदा देखता है,
सर पहले भी एक दो वीडियोस में मैं ये बात बड़ी क्लियरली कह चुका हूँ और आज भी ये चीज़ आप दोस्तों से रिपीट करता हूँ कि देखें, हर बंदे को अपने कबूतरों का शौक नहीं करवाते, हर बंदे को अपने घर में ही घुसा देते। मैं किसी एक का बंदे का नाम नहीं ले रहा, मैं ये एक मौकफ रख रहा हूँ कामरान भाई, अगर सही है ये मौकफ है मेरा, मेरा अपना। मेरी छत के ऊपर भी मेरे साथ दो दफा मिसअप हुए थे, मेरे सीसीटीवी लगे हुए थे, सारा कुछ था, लेकिन मैं एक चाहती तदाबीर ये थी कि मैं छोटे को कहता हूँ नीचे रेडी नहीं, जब तक मेरी आवाज ना नीचे नहीं जाने देना, ठीक है। मेरे साथ भी एक दो दफा ये मामला हो चुके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया था, ठीक है। मेरी वो समझ लो कि अकलमंदी काम कर गई है, लेकिन ये बंदा तो मैं करता था सेल पर सेल, मैं हर बंदे को बुला लेता था कि आप मेरे खा रहे हैं, वो आते थे देखते थे, उनको रास्ता पता चल गया था, सारे मामला पता चल गए थे, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई थी। लेकिन उस ही दौरान शेखुपुरा में इसी तरह के 20 मामला देखने में मिले थे, उनको बांध के स्पेशली इनके कपड़ों के साथ खुड्डों में छोड़ के ताले लगा के चले गए थे लोग, हाँ जी कबूतर ले गए थे, बहुत बहुत जो कहते थे मामे खां है, उन घरों से कबूतर गए हुए शेखुपुरा के, कईयों ने फिर बोला, कईयों ने इज्जत की वजह से नहीं बोला, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक सेफ रहा हूँ वहां पर, ठीक है। मैं ये कहूँगा हर बंदे को अपने घर नहीं घुसा लेना, हर बंदे को अपना शौक नहीं दिखाना, क्यों, बंदे राज मालूम कर लेते हैं आगे, कौन किसी के साथ मिला होता है किसी का कुछ पता नहीं होता, कोई इतबार नहीं होता, तो फिर क्या करें, हमारे भी दोस्त आते हैं, मैं तो मेरा तो आपको पता मजबूरी है, चले दूसरे घर में है, लेकिन हमें उन बंदों का अगला पिछला तो पता है। हाँ ये अब मैं सुखी भाव में कहूंगा मीडिया वाले तो हैं, मीडिया वाले तो हैं, लेकिन हम वो हैं कि जो 8-8, 10-10 साल से आप दोस्तों के साथ रोजाना मिलते हैं, आपको हमारा हसबुना से पता है हम किस पार्टी से किस उस्ताद के साथ करे हैं, अगर हम आपको कोई गलत चीज भी देते हैं तो आप हमें डर लगता है कि हम हमारे उस्तादों को ना कह दें, लेकिन अगर आप नए से नए बंदे को भी मुंह उठा कर लेंगे तो वो भजन आपका नुकसान है। आप हर किसी पर ट्रस्ट रखते, हर किसी को मीडिया पर्सन ना समझे, मीडिया पर्सन वो है जिन्होंने एक मीडिया कबूतर परवरी को पूरा किरदार अदा किया हुआ है, अपना वो कीमती सर्व किया हुआ है, टाइम उन्होंने सर्व किया हुआ है, जिनकी वो नेमो बदला कोई बंदा ही नहीं दे सकता उनको, ठीक है। अब मैं चीज को समझ सकता हूँ, मैंने खुद अपना बड़ा कुछ उजाड़ा हुआ है मीडिया के काम में, शौक था मुझे, ठीक है। अब कामरान भाई आपने माशाल्लाह वो टाइम इसको दे दिया जो टाइम अब वापस नहीं आ सकता, अगर हम दूसरे मामला से देखें तो आप भाई हैं, उनसे भी हमारी मुलाकात, उनकी तो माशाल्लाह उम्र हमारी 1.5 गुजर गई, लेकिन उनका एक वो मामला की जिंदगी और है, उनका अल्लाह पाक उनको और नवाजे, लेकिन जो बंदे हैं इस तरह के, लेकिन उनसे आप खुद एहतियात करें यार, सूती जबान में मैं तो पैगाम दे सकता हूँ, यही हल है, हल तो यही है और कोई हल नहीं। मैं आज भी शेखुपुरा को कुछ बंदे बताता हूँ, वो कहते हैं कि असली मीडिया लग रहा है, वो अभी भी डरते हैं उन मामलात के बाद। आपने देखा कि तब मैं रोज किसी न किसी की तरफ गया हुआ था, अब वो बंदे नहीं दिखाते, कबूतर हमारे शेखुपुरा में बहुत है, बड़े कदीमी कबूतर लोगों ने, अब वो नहीं दिखाते कि वो डरे हुए, हाँ लोग डर जाते हैं, बिल्कुल सही बात, बड़े बड़े बुरे हालात हुए हैं कामरान भाई, दो दो दिन लोग ऊपर बांध रहे हैं, दो दो दिन ऊपर बांध रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं, बाहर गए हैं यार वो इधर रहे हैं, हाँ किसी को पता ही नहीं, चलो ये चीज रही, अल्लाह अकबर, चलो बहरहाल बहुत शुक्रिया उस्ताद सैयद मोहम्मद जुल्कनैन साहब, आज तो आपने इल्म के पंडारे ही खोल दिए पूरे। मैं ये चीज कहता हूँ कि यार अगर मैं आपको बता रहा हूँ ना यार, आप इतनी मेहरबानी, इतना आपके पास टाइम है, आप उसको प्रैक्टिकल तो करो यार, सही, अगर आपने हमारी सिर्फ वीडियोस देखनी है सुननी है उसका आपको फायदा नहीं है, हम आपको हर चीज बताएंगे लेकिन आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आपको फायदा ही नहीं है, आप प्रैक्टिकल करो, जहाँ पे आपको डूबते हो नुकसान होता है, आप किसी उस्ताद से मशवरा करो, बिल्कुल सही बात है। चलिए सर बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह दोबारा जुल्कनैन के साथ, अब तो जुल्कनैन के साथ आते जाते रहा करेंगे, अब तो ये भी लाहौर में, हम भी लाहौर में, लाहौर की एक बात याद आ गई, वो एक बंदे की मैं नाम नहीं लूंगा, उसने कहा कि रैश पे कबूतर नहीं उठते, सर पट्टी वालों का आप देखें वो कोई इलाका कोई एरिया महदूद नहीं होता, और इतने जब पोटे लेके उड़ते हैं तब नहीं, अपर पंजाब में एक बहुत सीनियर उस्ताद है आपके, बल्कि लाहौर से 1.25 घंटे के फासले पे, वो कबूतर को इतना भरा होता है उन्होंने कि वो कभी भी कबूतर बाहर छोड़ के झंडी से नहीं उड़ाते, हाथ से छोड़ के उड़ाते हैं कबूतर, या मैं किसी और जगह भी काम बड़े देखे हैं, हाथ से छोड़ के उड़ाते हैं लोगों के पास, क्योंकि लाहौर में तो ये पाबंदी है ना, पंजाब में उड़ जाते हैं इस तरह, लाहौर में नहीं हाथ से उड़ाते, ये नहीं है, इसको यूज करें ना, क्यों किया था, सही बात है सर, हम तो प्रैक्टिकल बंदे हैं, हमें पता है किसको बेवकूफ बना रहे हैं, रैश ही है।
मतलब भी, हाँ कुछ दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिस चीज़ पे प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन मेरे भाई मकई का इस्तेमाल हो रहा है, बादाम का इस्तेमाल हो रहा है, दाने का इस्तेमाल हो रहा है, इसके आगे लवाजमात भी हो रहे हैं, इसके बैकअप के लवाजमात भी हो रहे हैं, खाली ये ना देखें कि मेरे ऐसे नहीं, इसके लवाजमात हो रहे हैं कांडली। जब तक आपको रिसर्च ना ना हो तब तक कबूतरों के ऊपर अप्लाई ना करें, आप नुकसानदेह साबित होगा। बिल्कुल सही है जी। लेकिन नाज़रीन इसके साथ ही हमें दें जी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ कर दें जी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।